चलिए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले आता है आपका पैरेललोग्राम, राइट? नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मींस व्हाट? अ फोर साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक फोर साइडेड फिगर है जिसकी फोर साइड्स है। अब वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स, अब ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? PQ एंड RS। तो ये PQ एंड RS ये ऑपोजिट साइड्स हैं एंड PS एंड QR ये ऑपोजिट साइड्स हैं। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसको आप बोलते हैं पैरेललोग्राम, राइट? फॉर एग्जांपल अब इसमें हम ले लेते हैं PQ RS है, तो इसमें पैरेलल कौन-कौन सी साइड्स हैं? सबसे पहले PQ पैरेलल टू, ये जो मैंने दो लाइंस ड्रॉ की है दिस इज अ सिंबल फॉर पैरेलल, राइट? सो PQ, PQ पैरेलल है RS से, राइट? और उसके बाद दूसरा है PS इज पैरेलल टू QR, ठीक है? ये हो गई आपकी पैरेलल साइड्स। अब जब आप ज्योमेट्री में आगे काम करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी ही फिगर्स आएंगी, तो उन सारी फिगर्स की अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप लोग उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी फिगर को समझना बहुत जरूरी है और किसी भी फिगर को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम प्रॉपर्टीज का पता कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो है ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमने कहा था ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ इनकी जो लेंथ है वो भी इक्वल है। ये दोनों साइड्स पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ इन दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है। तो ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। Second property is opposite angles are of equal measure. Opposite angles कौन से? जैसे S इसके opposite Q, ये दोनों equal हैं, right? उसके बाद angle P and angle R, ये दोनों angles equal हैं, opposite angles। अगर suppose this is of 60 degree angle तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 120 का है तो ये भी 120 का ही होगा, ठीक है? तो इक्वल मेजर होते हैं। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ये दो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनके बीच में साइड कॉमन होती है। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें एक साइड कॉमन होती है। अब जैसे ये वाली एक साइड है आर एस, तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर दो एंगल्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। आप एस एंड आर को एडजेसेंट बोलते हो। इस वाली साइड पर ये दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों को आप एडजेसेंट बोल सकते हो। PQ साइड पर ये दोनों एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट हैं। इस वाली साइड पे ये दोनों एंगल्स हैं, तो ये भी दोनों एडजेसेंट हैं। तो जो भी दो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स हमने देखा था क्या होता है, ये होते हैं डायगोनल्स, राइट? ये है इनके डायगोनल्स। ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को, जहां पे ये दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं, अगर मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को O नाम दे दूं, तो इसका मतलब है कि OP इज इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। तो ये डायगोनल्स जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम्स की, जिनसे आप किसी भी फिगर का पता कर सकते हैं कि ये फिगर एक पैरेललोग्राम है।